हेलो गाइस, जैसा कि देख सकते हैं आपकी मैं एक और न्यू वीडियो के साथ आ गया हूँ। आज की वीडियो इस प्रकार से कि आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं टाटा स्काई। इसी का इंतज़ार कर रहा हूँ, अभी देख सकते हैं आप बाहर भैया आने वाले लगाने वाले टाटा स्काई। मैंने टाटा स्काई को अमेजोन से परचेज किया। अगर आपको भी परचेज करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके परचेज कर सकते हैं। और बाकी अब आगे का वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सेटअप होता है। टाटा स्काई वाले भैया आएंगे, उन्हीं के साथ बाकी वीडियो आपको दिखाता हूँ, वहीं सेटअप करेंगे कैसे क्या करना है। और वीडियो देखते रहिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी, अगर आप चैनल में नए हो तो ज़रूर करिएगा। फाइनली गाइस, टाटा स्काई इज़ कमिंग, फाइनली आ ही चुका है टाटा स्काई। अमेजोन का बहुत ही अच्छी सर्विस है, आज ही मैंने बुक किया, आज ही आ गया। यहाँ पे कुछ और मेंशन किया गया वगैरह देख सकते। मैं तो कहता हूँ गाइस, एक बार आप भी ट्राई करिएगा अमेजोन पे। अब इसका DTH भी आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं गाइस। टाटा स्काई कुछ इस तरह का बॉक्स है ये, और इसके साथ क्या मिलता है वो भी चेक कर लीजिए। एडाप्टर है ये, और ये रिमोट है इसका। अपने को इस केबल में मिलती है HDMI पोर्ट, जैसा कि देख सकते हैं गाइस। यहाँ पे सेटअप आ चुका है, भैया भी आ गए हैं, अब इसको ये प्रॉपर सेटअप किया जाएगा इस पे। ये देखिए गाइस, यहाँ पे ऑन हो गया है, कुछ इस तरह दिखता है ऑन होने के बाद। यहाँ पे गाइस देख सकते हैं इस सेटअप पे टाटा स्काई को लगा दिया है। यहाँ पे ये डिजिटल मीटर यहाँ पे लगा के कनेक्शन पकड़ाएंगे अभी, और बाकी तार वायरिंग का जो भी काम है कंप्लीट हो चुका है, अब इसके थ्रू बाकी काम होगा। जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं, यहाँ पे सर्वर कैच किराया जा रहा है इसके थ्रू। आज तक ऐसी वीडियो YouTube पे कोई नहीं दिखाया होगा आपको जैसा मैं दिखा रहा हूँ। ये गाइस यहाँ पे देख सकते हैं सोर्स का बटन है, HDMI पोर्ट में कोई भी एक इसमें सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। गाइस देख सकते हैं इस तरह का कुछ सेटअप है। आप चलिए रिमोट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले सेलेक्ट के ऑप्शन में क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको जाने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट करना है लैंग्वेज को, इंग्लिश इंडिया पे करके करने के बाद इस तरह कुछ आता है। हाँ यहाँ पे इस तरह का, और यहाँ पे कुछ इस तरह का सेटअप हो रहा है यहाँ पे टीवी पे। तो गाइस इस तरह की वीडियो आपको शायद है यूट्यूब पे पूरा प्रॉपर दिखाया जा रहा हो जैसा मैं दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, स्किप कर देना इधर से। गाइस यहाँ जाने के बाद आपको वाईफाई को सिलेक्ट करना है यहाँ पे। जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं मैंने अपना वाईफाई कनेक्ट कर लिया, अब चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ओके दबा के यहाँ कनेक्टिंग टू AP अब ब्लॉक करके आ गया है, देखते हैं किस तरह का। देख सकते हैं गाइस इंटरनेट सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। देख सकते हैं गाइस यहाँ पे लिखा आर योर सिस्टम एप्लीकेशन आर या करंटली अप टू डेट। अब यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है, चलिए करते हैं। देन उसके बाद आपको देखने को मिलता है गूगल मेक द मोस्ट ऑफ द योर TV, साइन इन करना है या फिर स्किप कर सकते हो, आप जो भी करना है आपको अपनी शब्द देख लीजिए। हम यहाँ पे साइन इन करते हैं, यहाँ पे गूगल मांग रहा है, अब यहाँ पे हम गूगल वो करते हैं अपना A4 नंबर से भी। आप जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर मांगेगा, तो आपको अपनी ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर ऐड कर देना है। अब यहाँ पे आपका पासवर्ड मांगेगा, आपको पासवर्ड इंटर करके ओके करना।
गाइस यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड भी सिलेक्ट कर लिया है, देन आपको इसके बाद करना है नेक्स्ट। जैसे कि देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे मैंने अपना ईमेल आईडी को प्रॉपर सिक्योरिटी से कनेक्ट कर रखा है। देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। आप यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे एक्सेप्ट का है, टर्म ऑफ सर्विस और ये भी दिया गया है, आपको एक्सेप्ट में क्लिक कर देना। लोकेशन में अगर आपको अगर देना हो तो दे सकते हैं, नो भी क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे और भी ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा प्रॉपर क्या कैसा सर्विस है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐप मिलते हैं जो कि इंस्टॉल करने पे आपको फ्री मिलेंगे, आपको यहाँ पे देखने को 1 मंथ तक के लिए बहुत सारे आपको ऐप मिलेंगे इसमें। देख सकते हैं इस तरह का कुछ आ गया है। यहाँ पे स्टार एंड स्कैन पे करते हैं, यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ आएगा, देख सकते हैं यहाँ पे सेटअप हो रहा है ऑटोमेटिकली। जैसा कि देख सकते हैं आप गाइस, यहाँ पे कंटिन्यू ऑप्शन आ गया, यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है, यहाँ से आपको स्टार्ट कर देना। कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है टाटा स्काई मिंच प्लस का। यहाँ पे आपको रिमोट पेयरिंग का भी ऑप्शन आ रहा है, जब तक आप रिमोट पेयरिंग नहीं करेंगे तो आपका मोबाइल चालू नहीं होगा। जैसा कि देख सकते हैं, जैसे गाइस देख सकते हैं आप, चालू हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट किए बिना मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।